रहता का उल्टा चश्मा। कल से जरूर बेचूंगी और उसकी रखवाली के लिए मैं ये निकाल के रखूंगी। शपथ, इस बार अगर मेरे ठेले से किसी ने कुछ भी चुराया ना, कापुन डाकिन मितरा, कापुन डाकिन मितरा, कापुन डाकिन मितरा, कापुन डाकिन मितरा, छोड़ेगी नहीं मैं। सुनीता, 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 सुनीता। कोई तो नीचे कर। अरे कोई तो ऐसा बेचारा बबीता जी को क्यों धमका रही है? तेरी इतनी हिम्मत हमारी सोसाइटी में आके हमारे लेडीजों को ऐसे कोई तो देखा के धमका रही है? तो जीजा जी, बबीता जी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कमल भाभी, अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। मेरे होते हुए ये सुनीता आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। आप लोग हंस क्यों रहे? जेठा जी, सुनीता में धमका नहीं रही थी। ओ कम ऑन जेठा भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ये तो सिर्फ हमसे बात कर रही है। जेठा भाई, आज सुबह दो लोग मेरे ठेले से नींबू चुरा के ले गए, मैं बस वही बता रही थी। अब अगर मेरे ठेले से किसी ने नींबू चुराने की कोशिश की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ए, ए, खुरा कर रहे थी। कहते? कहते ना, कोई ते। कोई ता नीचे कर, कोई ता नीचे कर। अरे क्या हो गया है तुझे सुनीता? किसी ने तेरे ठेले से दो चार नींबू क्या चुराए, तू ऐसे कोयता उठा के मारा मारी कापा कापी पे उतर आई? दो चार नहीं, पूरे 4 किलो नींबू थे। 4 किलो? ले 4 किलो नींबू हो, लेकिन कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने का सुनीता। तो क्या करूं? अब नींबू की चोरी के लिए मैं पुलिस में कंप्लेंट करूं? अरे करनी चाहिए। अरे नींबू क्या, मिर्ची, धनिया, टमाटर, कोई भी चीज चोरी हो तो पुलिस में कंप्लेंट करनी ही चाहिए, लेकिन कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और तुम्हें पता है, बिना लाइसेंस के हथियार रखना कानूनन जुर्म है। मतलब कोयते के लिए भी लाइसेंस चाहिए? तो मतलब हमारे मुंबई में जितने भी नारियल वाले उनके पास वो लाइसेंस वाला कोयता है? जेठालाल, तुम मेरे शब्दों को पकड़ रहे हो, उसके पीछे की भावना को समझो। पर मेरी भावना कौन समझेगा? मेरे तो 4 किलो नींबू चोरी हो गए। 4 किलो? हाँ। मरे रे, अभी सुनीता के पास नींबू नहीं है तो मैं गोगी के लिए पनीर कैसे बनाऊंगी? मैं भी अय्यर के लिए लेमन टी नहीं बना पाऊंगी। लेमन टी? अय्यर भाई अभी कॉफी से लेमन टी पे उतर है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो काफी गर्मी है ना, तो कभी कभी अय्यर को लेमन आइस टी पीने का बहुत मन होता है। नींबू लाए कहाँ से? हाँ, मुझे भी नींबू पुदीने का जूस बनाना था। अरे आप लोग एक नींबू जैसी चीज के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? जेठा भाई, मतलब आपको नींबू के बारे में कुछ पता ही नहीं? क्या पता नहीं है? अरे इसे कुछ नहीं पता है नींबू के बारे में। अरे जेठिया, मार्केट में नींबू मिल नहीं रहे, और अगर मिलेंगे भी ना तो सोने के दाम पे मिलेंगे। जी। सोने के दाम पे नींबू? मतलब 50,000 रुपया तोला नींबू? क्यों? क्योंकि वो भी सोने की तरह पीला है इसलिए? अरे बापूजी, उनको समझाइए कि हर पीली चीज सोना नहीं होती है। अरे जेठालाल, क्या हो गया तुम्हें आज? तुम फिर से शब्दों को पकड़ रहे हो। चाचा जी जो कह रहे हैं उसके पीछे की भावना को समझो। चाचा जी कह रहे हैं कि नींबू सोने के दाम पे मिलेंगे, तो उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अव्वल तो मार्केट में नींबू मिल नहीं रहे हैं,
और अगर मिल रहे हैं तो बहुत महंगे दामों में मिल रहे हैं। हाँ नींबू तू जा भाई जा दुकान जा। जय जिनेंद्र बाबू जी। हाँ जय जय जिनेंद्र।